अम्मा जी रितु को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं और उन दोनों को यहाँ से चले जाने को कहती हैं। और रितु भी चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ पर रहना कौन चाहता है, चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने भाई के पास। और ये दोनों लोग यहाँ से जाने लगते हैं और सूर्य में तो आप जानते हो तो रोकते हैं, लेकिन अम्मा जी कहती हैं इनको रोकना नहीं, इनको जाने दो। और यहाँ पर रितु के मायके वालों को दिखाया गया है, जहाँ पर ये दिखाया गया कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही दबंग लोग हैं, ये राज करते हैं यहाँ पर, वसूली करते हैं, और ये है यहाँ के मेन विलेन कच्ची महाराज। तो रितु अपने ताऊ जी से बताती है कि हमारे घर वालों ने हमको घर से निकाल दिया है। और ये रितु का जोशीला भाई कहता है कि चलो चलते हैं वृंदावन और उन लोगों की खोपड़ी फोड़ कर आते हैं। और ये कच्ची महाराज कहते हैं कि अभी नहीं, अभी पहले प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिलहाल अभी तो पहले दामाद जी की खातिरदारी करो। और नीरज कच्ची महाराज की तीसरी बीवी को देखकर चौंक जाता है। और यहाँ पर पुष्कर और सजनी की शादी बिल्कुल आराम से खुशी खुशी हो जाती है, कोई भी बीच में बाधा नहीं आती है।